हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार। आप उसे साल भर स्टोर कर सकते हैं। दादी नानी वाली रेसिपी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने 1 किलो आम लाए थे और मैंने मार्केट से ही कटवा कर ला लिए थे, इसलिए मुझे घर में आकर इन पीसेस को अच्छे से धोना पड़ा। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी छिड़क कर मिक्स करके रख दिया था 2 घंटे के लिए। तो इसका जो खट्टा या कड़वा पानी कहेंगे, वो थोड़ा निकल गया था, तो वो पानी मैंने अलग करके आम के पीसेस को 2 घंटे अच्छे से धूप में सुखा दिया था। तो अब इस तरह से हैं ये। धूप में हमें इसलिए सुखाना पड़ता है ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे, पानी ना रहे। हमें 1 साल 2 साल के लिए अचार स्टोर करना है ना, तो हमारा अचार ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि आम के पीसेस में पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से वो थोड़े ड्राई हो जाने चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं सुखाना, नहीं तो अचार ख़राब लगेगा। तो अचार बनाने के लिए हमारे कैरी के पीसेस तैयार है। अब हम देख लेंगे मसाला। मैंने 1 किलो के हिसाब से आपको मसाला बताया है। आप चाहें तो 2 किलो आम का अचार बनाना हो तो डबल कर सकते हैं मसालों को। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मसाला चाहिए। 1 किलो कैरी के हिसाब से हम ये मसाले ले रहे हैं। आप 2 किलो का बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से आप डबल कर लें। 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, साबुत मेथी दाना। 1 चम्मच मैंने ली है राई, ये देखिए राई, या फिर इसे ही सरसों कहते हैं। 2 चम्मच ली है मैंने सौंफ। 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा, और 1/4 चम्मच जितना लिया है कलौंजी, जिसे मंगरेल भी। और ये 100 ग्राम मैंने ले ली है राई की दाल, जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। इससे अचार दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और खाने में तो टेस्टी लगता ही है। तो इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर एक पैन रख दिया है मैंने, या कढ़ाई ले ले। इसमें राई और कलौंजी हम अभी नहीं डालेंगे, ना ही इसे ग्राइंड करेंगे ना रोस्ट करेंगे। मेथी, सौंफ और जीरा ये भी डाल दिया है। तो इसे हमें जस्ट थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, ना इसका कलर चेंज होना चाहिए ना ही इसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आनी चाहिए भूनने की। ये देखिए, लो फ्लेम पर हम थोड़ी देर इसे इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसे मिक्सर जार में हम ले लेते हैं। इसके बाद हम राई दाल को रोस्ट करेंगे। तो देख, लो फ्लेम पे 2 मिनट इसे रोस्ट करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर कुछ हो तो ख़त्म हो जाए। इसका भी हमें कलर चेंज नहीं करना है, हाथ से छू सके बस इतना ही रोस्ट कीजिए। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये देखिए, ये हो गई है रोस्ट। और इसमें से हम 4-5 छोटे चम्मच जितना इस ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। इन मसालों के साथ इसे ग्राइंड करेंगे और बाकी की बची हुई राई दाल को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही हम अचार में डालेंगे। चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, दरदरा ग्राइंड करना है, एकदम फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है। राई दाल भी इसी में ऐड कर देते हैं। इसी पैन में मैंने 1 कटोरी सरसों का तेल गरम करने रख दिया है, और इसमें मैं 20 से 22 लहसुन की कलियां डाल देती हूँ। लहसुन की कलियों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार में। 1/4 चम्मच जितना हींग भी ले लिया है, जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। और इधर मंगरेल यानी कि कलौंजी डाल दी है। 2 चम्मच मिर्च पाउडर डाला है, और ये काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच मैंने डाला है। आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हो तो तीखा वाला मिर्च पाउडर ज़्यादा डालिए। और 2.5 चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है, जो इतने मसाले के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हमने कैरी के पीसेस में भी हल्दी और नमक लगा कर रखा था। और हाँ, इसमें मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाला है, जो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। 1/2 चम्मच इसलिए लिया है क्योंकि कैरी के पीसेस में भी हमारा हल्दी पाउडर लगा है, तो इसमें ज़्यादा हल्दी पाउडर की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कैरी के पीसेस इसी में डाल दिया, और इस तरह से इसे टॉस कर देंगे, या फिर किसी चम्मच से आप मिक्स कर दीजिए। हो सके तो चम्मच से ही कीजिए, हाथ से अचार के मसाले को मत मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद सरसों तेल हल्का गुनगुना रह गया है, तो ये इसमें मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो लहसुन की कलियां स्किप कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो तो अब इसे मिक्स करेंगे।
अच्छे से कैरी के पीसेस में और मसालों में तेल मिक्स हो जाना चाहिए। इसमें और भी तेल की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आगे 2-3 दिन बाद डालेंगे। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से है। इसमें मैं गुड़ डालना भूल गई थी, तो 2 चम्मच जितना गुड़, 2 चम्मच गुड़ को बारीक करके मैंने इसमें डाला है। इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा और प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो गुड़ डालकर हम इसे और अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसकी लिड लगाकर हम 3 दिन बाद देखेंगे, और 3 दिनों में 3-4 बार हम इसे मिक्स करते रहेंगे। अब ये देखिए, मैं 3 दिनों बाद दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सॉफ्ट तो हो गया है अचार, और आपको कम भी दिख रहा होगा। और देखिए कलर और ज़्यादा अच्छा हो गया है इसका। आप और ज़्यादा डार्क कलर चाहते हैं तो आप काश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने कांच की एक बर्नी या बॉटल ले ली है, जो साफ़ सुथरी पोंछ कर धूप में सुखा कर लीजिए। इससे अचार ख़राब होने का डर नहीं रहता। और साफ़ सुथरी सूखी बॉटल में सारा हम ये अचार भर देंगे। अब हमें इसमें अचार भर के और इसमें तेल भर कर रख देना है, और ये वाला अचार हम स्टोर करके रखेंगे। चाहे तो आप खा भी सकते हैं। अगर आप खाएंगे तो इसमें ऊपर तक तेल भरने की ज़रूरत आपको नहीं है। और आप लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फिर तो इसमें आपको तेल भर के रखना ही पड़ेगा। सबसे पहले प्लेन कर दीजिए, और आजू बाजू जो भी अचार का मसाला लगा है बॉटल में, वो अच्छे से क्लीन कीजिए। जब भी आप अचार निकालेंगे तो इस तरह से क्लीन करके रखिए, तो अचार में फफूंदी नहीं आएगी और ख़राब भी नहीं होगा। अब खाना है तो आप कम तेल डालिए, और स्टोर करना है तो इसमें और ऊपर से ऊपर तक तेल भर दीजिए, और फिर इसे स्टोर करके रखिए। और एयर टाइट अच्छे से ढक्कन बंद करके रखिए, हवा नहीं जाना चाहिए। गीली चम्मच कभी मत डालना। तो इस तरह से आप तेल भर के रख दीजिए, 1 साल 2 साल क्या 3 साल भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। मेरी दादी और मेरी मम्मी तो कभी गीला चम्मच अचार में नहीं डालने देते थे, और गंदे हाथों से तो बर्नी को छूने भी नहीं देते थे। इसी तरह से वो अचार कई दिन क्या 1 साल 2 साल तक स्टोर करके रखते थे। तो कैसी लगी रेसिपी, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।